तो दोस्तों आज हम जानेंगे मनोज दे के बारे में। तो मनोज दे का जन्म दिन शुक्रवार 12 जुलाई 1997 में हुआ था। मनोज दे का पूरा नाम मनोज मोदक है और उनका घर धनबाद झारखंड झड़िया में पड़ता है। और आप लोगों को पता होगा कि गाइस वो एक सोशल मीडिया का राइजिंग स्टार है मनोज दे। तो गाइस आज हम बात करेंगे मनोज दे के लाइफ स्टोरी और लाइफ स्टाइल और उनसे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। उससे पहले अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नहीं होता चैनल को सबसक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों आज मनोज दे के फैमिली के बारे में जानते हैं। तो मनोज दे के फैमिली में उनके पापा, उनके मम्मी और दो बहन है, जिसमें से एक बहन का सिस्टर का शादी हो चुका है। गाइस दोस्तों मनोज दे के घर की अगर उस टाइम की अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो मनोज दे के पापा के पास एक साइकिल का दुकान था। मनोज दे के घर की स्थिति काफी खराब थी, मनोज दे के घर में काफी तंगी थी पैसे को लेकर। उनके पापा का साइकिल का दुकान से उतना अच्छा खासा इनकम नहीं हो पाता था। अगर थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो दिन का 200 से 250, महीने का अगर देखा जाए तो 6 से 9 हजार के बीच उनकी साइकिल के दुकान से आ जाता था इनकम। और मनोज दे की पढ़ाई की बात करें तो गाइस धनबाद के सरकारी स्कूल से अपना 10th पास किया उन्होंने। तो उसके पापा खुश होकर उनको एक कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं जो कि 12,000 का था। गाइस जहाँ से मैंने जो है पढ़ाई की है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स ये है वो स्कूल जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, जिसका नाम है मध्य विद्यालय कुसमाटांड, मिडिल स्कूल कुसमाटांड। तो दोस्तों यहीं से मैंने जो है अपना स्टडी कंप्लीट किया है 1 to 10, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल है आप देख सकते हो। उसके आगे की पढ़ाई के लिए मनोज दे अपने पापा को बोलते हैं मैं बीटेक करना चाहता हूँ। उनके पापा के पास पैसे नहीं थे, इसके लिए मना कर दिए। फिर मनोज दे ने अपने पापा को बोला रहने दीजिए, मैं बीटेक नहीं करूंगा। वो बोले मैं आईटीआई करूंगा। फिर भी उनकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आईटीआई का फीस भर सके। अगर देखा जाए तो मनोज दे को आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना था, लेकिन उनकी पढ़ाई फीस को लेकर हाथ पीछे कर लेती थी उनकी फैमिली। फिर वे काफी उदास हो गए, लेकिन वो किसी तरह कोचिंग और ट्यूशन कराकर अपने पॉकेट खर्चे निकाल लिया करते थे। और इसी बीच वो आईटीआई कंप्लीट कर लेते हैं। और गाइस आप लोगों को पता होगा कि उस टाइम सरकारी जॉब को लेकर कितना क्रेज था। मनोज दे उस टाइम एक साइबर कैफे में काम किया करते थे, मूवी सॉन्ग ईटीसी डाउनलोड किया करते थे। फिर उसी टाइम उनको एक वीडियो सामने आता था जिसमें लिखा था वीडियो का टाइटल यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं। फिर उसी समय उनके मनोज दे के यूट्यूब करियर का शुरुआत होता है। फिर उन्होंने एक टेक्निकल मनोज दे के नाम से एक चैनल खोला, उस पे वो टिप्स मोबाइल लैपटॉप के बारे में दिया करते थे। उसके बाद $80 होने के बाद टेक्निकल मनोज दे वाला चैनल जो होता है वो डेड हो जाता है। हाई सीटीआर के वजह से मनोज दे बहुत परेशान हो जाते हैं। देखा जाए तो उनके अंदर का पूरा हौसला टूट जाता है और वो कुछ महीनों के लिए यूट्यूब छोड़ देते हैं। और फिर कुछ महीनों के बाद वो फिर से वापसी अपने काम पर करते हैं। और हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आप सबको सबसे पहले बधाई हो कि हमारा जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। और एक चैनल खोलते हैं मनोज दे के नाम से, जिस जो अभी भी वो चैनल पे 4.4 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर है। मैं आपको मनोज दे के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग चैनल पर एक बार विजिट कर लेना। और गाइस 2017 में वो सीडी पर बैठकर वीडियो बनाया करते थे और आज देखा जाए तो उनके पास एक हाई स्टैंडर्ड और एक्सपेंसिव स्टूडियो है। मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड चलिए बस यही चीज आप लोगों को दिखाना था। आई होप आप लोगों को जो है अब स्टूडियो का थोड़ा सा लुक बेहतरीन लग रहा है। अब जो है इस एंगल से मैं वीडियो शूट करूंगा, लाइक इस तरह से, तो आपको ये वाला भी दिखेगा और ये वाला वॉल भी दिखेगा। और जब कैमरे से डीएसएलआर से टैक चैनल का वीडियो बनेगा ना, तो बैकग्राउंड में बुके इफेक्ट रहता है, तो जिसके वजह से बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों को टैक चैनल का वीडियो इसी वॉलपेपर पे देखने को मिलेगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कैसा लग रहा है। तो दोस्तों ये था मनोज दे के यूट्यूब करियर स्ट्रगल के बारे में। तो गाइस अब चलिए मनोज दे के अचीवमेंट के बारे में जानते हैं। तो पहले नंबर पे आता है टीवीएस अपाची और सेकंड नंबर पे आता है बुलेट 350 cc। और उनके पास कार की बात करें तो 3 कार है, टाटा हैरियर, मारुति सुजुकी और हुंडई का i20। ये है सैमसंग का S23 एंड S23 अल्ट्रा, जो कि मैंने S23 अल्ट्रा। तो गाइस फाइनल हम लोग इसी को किए हैं।
सब खजाना निकले। और उनके पापा को अभी तक वो गिफ्ट कर चुके हैं एक हीरो होंडा सेकंड स्कूटी एंटॉर्क एडिशन। तो दोस्तों मनोज दे अपना खुद का घर एक धनबाद सिटी में बना रहे हैं, जो कि बहुत जल्द घर वो बनकर तैयार हो जाएगा गाइस। और देखने में कुछ इस तरह का दिखता है गाइस वो। देखिए इसमें अभी पूरा काम स्टार्ट होने वाला है। ये रहे ठेकेदार, तब से फोन किए जा रहे हैं कब आइएगा कब आइएगा। तुम कैसे चढ़ पाओगे कर लो। चलिए गाइस यहाँ पे ढलाई शुरू हो गया, मिलो का इंतजार हो रहा था। देखे ना पूजा होगा ढलाई शुरू। तो दोस्तों यहाँ पे जोरों शोरों से काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ देख सकते हो बहुत ही स्पीड में काम चल रहा है, क्योंकि हमने 2-1.5 घंटा लेट कर दिया था आने में। तो अभी समझ रहे ना, एक दिन में कम्प्लीट करना होता है ढलाई। ये देखे जा रहा है। चलिए दोस्तों आप जानते हैं मनोज दे की इनकम। तो मनोज दे एक वीडियो पोस्ट करके मतलब महीने का कितना कमाते हैं यूट्यूब से, सिर्फ वीडियो पोस्ट करके, वो एक इंटरव्यू के माध्यम से खुद बोल रहे थे। अभी मैं इतना कमा रहा हूँ कि मान के चलो कि मैं मंथली आराम से एक स्विफ्ट तो निकाल ही सकता हूँ। ऑटोमेटिक फुल डाउन पेमेंट में, मतलब पूरा देकर पैसा, पूरा कैश देकर, पूरा कैश। अरे वाह भाई वाह। तो गाइस ये था मनोज दे का इनकम, सिर्फ यूट्यूब से वीडियो डालकर पैसे कमाना। मनोज दे और भी तरीके से यूट्यूब से पैसे कमाते हैं, जैसे स्पॉन्सरशिप हो गया, ब्रांड प्रमोशन हो गया, एड्स वगैरह करके वो महीने का कम से कम 15-17 लाख रुपए वो कमाते हैं मनोज दे। मनोज दे के पर्सनल के बारे में बात किया जाए तो गाइस मनोज दे जिससे लव करते थे ज्योतिष श्री महतो से, उन्होंने हाल ही में उनसे शादी कर लिया है 15 मार्च 2023 को। और आप लोगों को बता दूं कि मनोज दे झारखंड का नंबर वन यूट्यूबर है, और मनोज दे को 2022 में धनबाद का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। धनबाद में ये डायरेक्ट आज का ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों मैं कुछ दिन पहले जो धनबाद के म्यूनिसिपल जो कमिश्नर है उनके घर पे मैं आया था, ठीक है। उन्होंने मुझे बुलाया था कुछ काम से, यूट्यूब रिलेटेड काम से। तो वहाँ से मिलने के बाद उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप धनबाद जो नगर निगम है हमारा, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ, उस नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। और गाइज ये थी मनोज दे की लाइफ स्टोरी। आप लोगों को इससे क्या सीख मिलती है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो शेयर करना जरूर। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो गाइज चलिए अब तक के लिए बाय।